हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत है आपका आज की इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने स्मार्टफोन में न्यू जीमेल अकाउंट कैसे बना सकते हो। अगर आपको भी न्यू जीमेल अकाउंट बनाना सीखना है तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखना। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, आपके स्मार्टफोन में जीमेल नाम का एक एप्लीकेशन तो होगा ही होगा, तो गाइज इसको सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आएगा, बट आपको बाईं तरफ कोने में 3 लाइन का एक ऑप्शन मिलेगा तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज ओपन होने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके आना है नीचे, और थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग का। तो गाइज सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हो आपके सामने एक दोबारा से नया पेज आएगा। अब यहाँ पे सबसे नीचे आपको ऐड अकाउंट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पे ऐड अकाउंट पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब जैसे ही ऐड अकाउंट पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने एक नया पेज और आएगा और यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे गूगल का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपल सा आपको गूगल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गूगल के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे एक नया पेज दोबारा से ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह का। अब यहाँ पे थोड़ा चेकिंग इन्फॉर्मेशन हो रहा है तो थोड़ा चेक हो जाने दो। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब गाइज थोड़ा ध्यान से आप नीचे देखोगे तो बाईं तरफ आपको कोने में एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट अकाउंट का। तो गाइज यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और ये आपसे पूछेगा कि ये जो जीमेल अकाउंट आप बना रहे हो अपने पर्सनल यूज के लिए बना रहे हो या फिर अपने बिजनेस के लिए बना रहे हो। तो भाई मैं ये जो जीमेल अकाउंट बनाऊंगा अपने पर्सनल यूज के लिए बनाऊंगा, तो पर्सनल यूज पे क्लिक कर देना है। अगर आप बिजनेस के लिए बनाना चाहते हो तो बिजनेस पे क्लिक कर देना है। तो मैंने पर्सनल पे क्लिक कर दिया। पर्सनल पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम डाल देना है। तो यहाँ मेरा नाम फर्स्ट सचिन है तो मैंने सचिन डाल दिया, और यहाँ पे लास्ट मेरा सिंह है तो मैंने यहाँ पे अपना लास्ट नेम भी डाल दिया। नाम डालने के बाद उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो गाइज नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो आपके सामने दोबारा से एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछेगा आपका बर्थडे, तो मतलब यहाँ पे आपको अपना बर्थडे डाल देना है, जो भी आपका है बर्थडे वो डाल देना है। डालने के बाद थोड़ा ध्यान से नीचे देखोगे तो आपको नीचे जेंडर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे जेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको जेंडर भी सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि आप मेल हो तो मेल सेलेक्ट करो, फीमेल हो तो फीमेल सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इतना काम करने के बाद नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे दोबारा से क्लिक कर देना है, और जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो अब यहाँ पे आपको एक नया जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा। तो गाइज यहाँ पे एक नया जीमेल आपको बना लेना है। जैसा कि आप कुछ भी जीमेल एड्रेस में डाल सकते हो, जो भी आपका मन करे अपना नाम या और किसी का नाम डाल के आप अपना एक जीमेल एड्रेस बना सकते हो। जीमेल एड्रेस बनाने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे आपसे बोला जाएगा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए। तो गाइज आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है कि आपका दोस्त, आपका भाई, कोई भी ऐसा ना हो कि मतलब उसके सोचने से ही आपका पासवर्ड बन जाए। तो आपको काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हो अब यहाँ पर कंप्लीटली समझ लो हमारा एक जीमेल अकाउंट बनकर तैयार हो गया। अब आपके सामने एक नया पेज दोबारा से आएगा तो स्क्रॉल करके आना है नीचे, और यहाँ पे कुछ भी लिखा रहेगा तो आपको छोड़ देना है इसे, और यहाँ पे नीचे स्किप का एक ऑप्शन मिल जाएगा तो स्किप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही स्किप वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो उसके बाद आपका यहाँ पे कम्प्लीटली एक जीमेल अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा से नेक्स्ट बोलेगा तो नेक्स्ट कीजिए चाहे ना कीजिए, अब यहाँ पे समझ लो हमारा एक जीमेल अकाउंट बनकर तैयार हो गया। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला था कि आप नया जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो पर लाइक कर देना, साथ ही इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इन सब चीज़ों के बारे में आपके दोस्तों को भी पता चल पाए।